सो है गाइस क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस सीजन 16 आ चुका है यार, और कौन कौन रैंक पुश कर रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम्हारा भाई तो रैंक पुश कर रहा है और चालू ही कर दिया यार, तीन चार गेम खेल लिया मैंने। और ये सीजन 16 का मेरा बेस्ट गेम प्ले, क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने इस गेम में बंदों को घुमा घुमा के मतलब इतना भगा भगा के मारा है ना, क्या ही बताऊं। वो तो आप लोग को गेम प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए गाइस आ चुके हैं पोचिंग की में, और अपना तो यही उसूल है यार, मतलब रैंक पुश करना है साथ में केडी भी बढ़ानी है, इसलिए आ जाते हैं भाई पोचिंग की में। अगर रैंक पुश करूंगा ज्यादा करी वाली भाई केडी नहीं बढ़ेगी। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बंदा है और भाई साहब को पेल दिया, और ये भाई साहब जो है एकेम लेके मस्त कैम कर रहे थे। बताओ जरा तुम यार ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी भाई, इनको कोई समझाओ। अब खैर देखो, जैसे इनको लूट रहा था इतने में मुझे साउंड आता है लेफ्ट की तरफ से कि इसका टीममेट जो है भागा भागा आ रहा है भाई का बदला लेने के लिए, तो भाई पेलना पड़ेगा उसको भी। देखो अब खैर देखो, जैसे इन भाई जी को मारा ना उतने मुझे भाई सामने वाले घर से पड़ी, पता नहीं किसने मारा। और ये टीममेट आया था इसको बचाने के लिए, जो कि बोल रहा होगा भाई रुक जा मैं भी मर के आता हूँ, साथ में नेक्स्ट मैच लगाएंगे, मतलब मस्त लोबी में पहुंचेंगे। अब खैर दोनों बंदों को मैं लोबी में पहुंचा देता हूँ, लेकिन इतने में जब मैं हील लगा रहा था इधर पे तो मुझे सामने वाले घर से साउंड आता है ये वाले कमरे में, और बस देखो अब क्या सीन होता है। अब इस कमरे में तो भाई दो ही बंदे रहते हैं, जो कि पहले एक बंदा रहता है उतने में दूसरा बंदा आ जाता है इसका टीममेट। लेकिन भाई इतने में जब मेरा टीममेट उन दोनों बंदों की पेटी लूट रहा था, इतने में ये सामने वाले घर से कोई बंदा मारता है, तो भाई देखना पड़ेगा। और फाइनली इन चाचा को जो है नॉक कर देते हैं। तो अब बारी थी रश करने की, और मुझे डर लग रहा था कि भाई ओपन में आ जा रहा हूँ कोई पेल पुल ना दे, लेकिन इतने में क्या सीन होता है वहाँ पे जो है डीपी से कोई बंदा दूसरे बंदों को पेलता रहता है, और इतने में हम लोग इसके पास आ जाते हैं, इस बंदे को फिनिश कर देते हैं। और इस बंदे को हम लोग जैसे ही लूट रहे थे ना, उतने में हम लोग को पीछे की तरफ से जो है हल्का हल्का साउंड आ रहा था ट्रिपल स्टोरी में, तो मैं चेक करने के लिए आता हूँ। और भाई साहब इतने में ये बंदा दिखता है, लेकिन इतने में क्या सीन होता है भाई, एक बंदा जो है दो बंदों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। अब मैं उस बंदे के ऊपर फायर तो देता हूँ, लेकिन बंदा जो रहता है भाई कवर में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता हूँ फिर से बंदा दिखता है, और भाई साहब मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो है इस बार घर में घुस जाता है। अब खैर जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये वाले कमरे से साउंड आता है, तो मैं मेरे टीममेट को बुलाता हूँ, भाई इधर आ जा, सबसे पहले इस बंदे के ऊपर रश करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो हीलिंग लगाने लगता हूँ, और काफी देर वेट हो गए थे लेकिन बंदा जो है हिल नहीं रहा था, इसलिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक नेट फेंक देता हूँ ताकि बंदा जो है मेरे ऊपर रश करे। लेकिन इतने में पीछे की तरफ से मुझे साउंड आते हैं, और भाई देखो अब क्या सीन होते हैं। अब भाई काफ़ी देर फुटस्टेप सुनने के बाद मुझे समझ में आता है जो हमारे ऊपर बंदा था वो भी कूद के जो है भाई आगे की तरफ चला गया है। और यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो मुझे चारों तरफ से बिल्कुल लिटरली चारों तरफ से फुटस्टेप आने लगते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या करना है, इसलिए क्या करता हूँ मैं ये वाले कमरे में घुस जाता हूँ। और इतने मुझे ट्रिपल स्टोरी से साउंड आने लगता है, तो मैं थोड़े से आगे जाता हूँ चेक करने के लिए, लेकिन मद्दा दिखता नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पे मैं जैसे ही रुकता हूँ तो मुझे रोड की तरफ से साउंड आता है, यार यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो पता लगता है ये दो बोट है यहाँ पे। अब खैर देखो उनमें से मैं एक बोट को तो पेल देता हूँ, और यहाँ से मैं जैसे ही जाता हूँ इतने में मुझे बंदा स्पॉट होता है, और फाइनली यार इस बंदे को और भाई सीधा जो है बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करने के लिए आता हूँ, बस ये बंदा जो है यहीं पे बैठा है ना, और देखो अब भाई क्या सीन होता है। अब इन भाई साहब को तो नॉक कर देते हैं, नॉक करके मैं इनकी सीधा जो है पेटी बना देता हूँ, लेकिन इतने में भाई मेरा टीममेट जो है बाहर की तरफ फंस जाता है, और बस देखते जाओ भाई क्या ही स्कैम होगा मेरे टीममेट के साथ में। अब गाइस वहाँ पे जो है दो टीम रहती है, और मेरा टीममेट जो है दोनों टीम के बीच में जो है फंस जाता है, इसलिए मेरा टीममेट जो नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ठान तो लिया था भाई मेरे टीममेट को मैं बचाऊंगा, तो जरूर बस देखते जाना तुम अब क्या ही बचाते मेरे टीममेट को। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे ऊपर वाला बंदा जो है नीचे कूदते नजर आता है, और भाई फटाफट यहाँ से मैं कूदता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बंदा जो है नेट फेंक देता है, और भाई ऐसा होता भी है, बस तुम देखते जाओ। मान लो गाइस अगर मैं वहाँ पे फंस जाता तो भाई क्या ही सीन होता, मतलब कब का फट फुटा के भाई पेटी बन जाती और सीधा लोबी पहुंच जाता। अब उस बंदे ने फिर से एक नेट फेंका तो भाई मैं कल्टी हो गया, अब देखते जाओ तुम।
अब देखो मार तो रहा था मैं जिंदा बंदे को, लेकिन भाई इतने में मुझे नोक वाला बंदा दिखता है तो मैंने सोचा भाई जो किल मिल रही है उसी को ले लो और भाई उसको फिनिश करके मैं फटाफट जो अपने टीममेट के पास पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे टीममेट को रिवाइव भी देना था ना, तो मैं यहां पे आता हूं और मेरे टीममेट को मैं रिवाइव देता हूं। अब वहां भी बच चुका था सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा, तो हम लोग रिवाइव देने के बाद इस बंदे को चेक करने के लिए आते हैं तो भाई पता लगता है ये बंदा जो है सेक के अंदर बैठा है और भाई निकलने का नाम ही नहीं रहा। तो मेरा टीममेट बोलता है रुको मैं निकालता हूं, तो मेरा टीममेट जो इसके अंदर एक स्मोक फेंक देता है, लेकिन भाई बंदा जो है फिर भी निकल के नहीं देता। तो अब करना क्या था भाई, नेट नूट फेंकना था और बस देखते जाओ। अब तुम और फाइनली यार इन चाचा की जो है पेटी बनाई देते, तो मैं अंदर की तरफ जाता हूँ इनको लूटने के लिए, लेकिन इतने मुझे पता चलता है कि भाई पीछे वॉच टावर की तरफ एक बंदा आके मस्त कैंपिंग लगा रहा है, मतलब कैंपिंग जमा के बैठ चुका है। तो बस तुम देखते जाना उसको कैसे पहलते, लेकिन उससे पहले भाई लेफ्ट की तरफ से मुझे साउंड आ रहा है कि एक बोट आ चुका है, तो फटाफट पहले उसको पहलते और फिर बंदे को तो देख ही लेंगे अपन। अब देखो जैसे इस बोट को पहलाना था तो मुझे पहले से ही साउंड आ गया था वहाँ पे बंदा है, और मेरे को मन नहीं कर रहा था यार टीममेट को बताने के लिए क्योंकि किल मिल नहीं मिलती, इसलिए मैं फिर बता देता हूँ यार अगर मरमुरा गया तो भाई और बोलेगा पहले बताया नहीं तूने वहाँ पे बंदा है, इसलिए भाई किल का लालच मैंने छोड़ दिया, मेरे टीममेट को मैंने बता दिया भाई वहाँ पे बंदा है, तो बस कवर देना मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। देखो अब देखो मुझे इतना तो पता था जब मैं ओपन में जाऊँगा तो ये बंदा जरूर मुझे मारने के लिए बाहर निकलेगा, इसलिए मैंने अपना जो ADS रहता है जस्ट तीनों खिड़की के पास रखा था और भाई प्री फायर देता गया। तो बस आप लोग को भी ऐसे करना जब आप लोग ओपन में जा रहे हो किसी बंदे के ऊपर रश करने, तो बस अपना ADS जो है उसके पास रखना जहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है और भाई प्री फायर दे देना अगर हल्का सा भी दिखे तो भाई बंदा मर जाएगा। अब खैर पहुंची गए क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इतने मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरा गेम लैग हो रहा, तो भाई मैं समझ जाता हूँ बंदा जो है आसपास में ही, और भाई ऐसा होता भी है देखो तुम। अब देखो उस बंदे को हम लोग नॉक तो कर देते हैं, और नॉक करने के बाद हम लोग उस बंदे के ऊपर सीधा का सीधा जो है रश करते हैं, और आप लोगों को क्या लग रहा होगा हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं उस बंदे को, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया तो उसके टीममेट जो आसपास में रहेंगे वो भाई इसको बचाने के लिए लिटरली बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इसलिए उस बंदे को मैं फिनिश ही नहीं करता, और मुझे पता था उसका बंदा आएगा जरूर, और भाई ऐसा होता भी है देखो तुम। तो भाई मैंने जैसा कि बोला था बंदा जो है इसको बचाने के लिए जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है, तो भाई ये वाली ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो 100% वर्क करती है। अब खैर देखो इसको लूटने के बाद हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन इतने में हम लोग को पीछे की तरफ से जो है साउंड आने लगते हैं, दो बोट आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई सीजन 16 आया तो यार KD तो बढ़ानी पड़ेगी है ना, तो मारते हैं ज़रा। और भाई फाइनली इन तीनों बोट दादा को मैं जो है अकेले मार देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग इन लोग को लूट लाट के हम लोग यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को भाई बंदे की बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो हम लोग बंदे ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन इधर मैं यहाँ से मैं जैसे ही जाता हूँ तो भाई मुझे लेफ्ट की तरफ से जो है DV का साउंड आता है, तो मैं समझ जाता हूँ भाई बंदे जो है यहीं पर, और भाई एक बंदा नहीं रहता, यहाँ पर पूरी की पूरी टीम रहती है, तो बस देखते जाओ भाई क्या ही पहलेंगे इनको। मेरे पास आ रहा है, और भाई साहब इसी के साथ ये बंदे की जो है पेटी बना देते हैं, मतलब पूरी की पूरी टीम को ही मार दिया यार, और मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पे 2 किल, और मेरे टीममेट के ऊपर जो है बंदों ने रश कर देने तो ये वाला किल भी मुझे मिल जाता, मतलब 3 किल हो जाते मेरे पास। अब खैर उस बंदों को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन इधर मुझे सामने की तरफ सरकारी ड्रॉप दिखता है, और ड्रॉप के पास मुझे गाड़ी दिखती है, मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई इधर पे आ जाओ नहीं तो हमारी पेटी बन जाएगी।
और भाई सच में बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हक दिया भाई। इतना बेकार स्प्रे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं मारा, उस बंदे को एक बुलेट तक कनेक्ट नहीं हुई भाई। अब उसके बाद हम लोग फिर से उस बग्गी वाले बंदों को ढूंढते हैं और भाई लिटरली भाई वो बंदे मिल भी जाते हैं तो वहाँ पे देखो, और इस बार भी वही सीन होने वाला है, फिर से हक दूंगा। अब देखो इतनी ज़्यादा बेइज्जती करवाने के बाद अब हम लोग भाई चुप नहीं रह सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उन बग्गी का हम लोग पीछा करते हैं। और भाई लिटरली उनकी बग्गी जो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दी थी, तो मुझे पता था भाई ये बंदे जो है आपस में ही कहीं ना कहीं तो होंगे। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो मुझे एक बग्गी भी स्पॉट हो जाती है, फिर बंदों के भी फुटस्टेप आ जाते हैं। और बस देखो अब भाई साहब पता नहीं बंदा जो है कहाँ ही नागिन में तब्दील हो गया, लिटरली देख रहे हो तुम भाई, वेस्ट की हालत देख रहे हो और भाई हीलिंग देख रहे हो क्या ही छोड़ी है बंदे ने, तो भाई इसको तो हम नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। भाई फाइनली इस बंदे को जैसे ही नॉक किया तो मुझे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि भाई इसका टीममेट रहता है। और ये भाई साहब जी जो है प्री फायर में आ जाते हैं, तो यार देखो प्री फायर कितना ज़्यादा कमाल की चीज़ है ना। तो भाई बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बंदे के ऊपर जब आप लोग रश कर रहे हो तो बस गोली मारते जाना, लेकिन देखो आसमान में गोली मत मारना, जहाँ पे आप लोग को लग रहा है बंदा है वहाँ पे मारते मारते जाना। और भाई उजी लेके फ्री फायर मत दे देना, नहीं तो आपकी पेटी बन जाएगी, है ना। और विक्टर से तो दही मत देना भाई। अब देखो काफ़ी होगी फालतू की बात, आप थोड़ी सी यार प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो कितने जब वीडियो एंड हो रही ना जब बोल रहा हूँ तो भाई थोड़ी सी तो शर्म करो बे, सब्सक्राइब कर लो, क्या कर रहे हो वीडियो देख के बस भाग जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब खैर देखो यहाँ पे बच्चों का था लास्ट बंदा और हम लोग को यहाँ पे यह बंदा स्पोर्ट भी हो जाता है। और इन भाई साहब को देख रहे हो, मतलब दो बंदों को मारने के चक्कर में भाई साहब जो है लेवल 3 होने आया, मतलब ड्रॉप लूटने आया, तो इनकी पेटी बना के भाई फटाफट चिकन डिनर लेते हैं और देखो कैसे फैलते हैं। अब तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतने, तक गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो यार मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ हो सके तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्लिप डालूंगा यार अच्छी मस्त मस्त, तो फॉलो कर लो फटाफट।